हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा और सीमा के आइडियाज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं नारियल की रसीली बर्फ़ी। ये बहुत ही रसीली और बहुत ही टेस्टी बनती है, सिर्फ दो चीज़ों से बनके रेडी हो जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ये कोकोनट फ्लेक्स है, जो थोड़ा सा मोटा सा नारियल आता है ना, वो है। और ये डिसिकेटेड कोकोनट नारियल का बुरादा बारीक वाला, एक कप लगेगा दोनों। और 3/4 कप चीनी लगेगी, शुगर, ठीक है ना। उसके बाद में एक छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे। और 1 लीटर हमको मलाई वाला दूध लगेगा, फुल क्रीम मिल्क। तो सबसे पहले हमें दूध को उबालने के लिए रख देना है, ठीक है। इसे आधे से कम करना है, ऐसे बीच बीच में चलाते रहना है। और कलछी को छोड़कर यहाँ पर हमें गैस को धीमा कर देना है। और बाद में, मतलब ये दूध पकने तक हमें बाकी की तैयारी कर लेनी है, ठीक है। तो एक साइड में मैंने दूध रख दिया है, बीच बीच में चलाते रहना है इसे। कोई अगर साथ में हो तो उसकी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है ना। अब आगे की तैयारी करते हैं। तो मैंने दूसरी तरफ एक और कढ़ाई चढ़ा ली है और यहाँ पर डाल दिया है मैंने छोटा चम्मच घी, ठीक है ना। अब घी मेल्ट होने के बाद में इसमें डाल देंगे मोटा वाला नारियल, जो कोकोनट फ्लेक्स है वो सबसे पहले यहाँ पर डाल देंगे। और इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर बढ़िया से रोस्ट कर लेना है। पहले हम इसे 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे और उसके बाद में बारीक वाला नारियल का बुरादा ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने उसे भी रोस्ट कर लेना है। तो अभी 1 मिनट हो गया है, अब मैं डाल दूंगी बारीक वाला नारियल, ठीक है ना। अब यहाँ पर गैस को हमने एकदम से लो कर देना है और लो फ्लेम पर इसे हमने 2 मिनट तक भून लेना है। ये 2 मिनट और वो पहले वाला 1 मिनट, टोटल हमको यहाँ पर 3 मिनट लगेगा। और दूध को बीच बीच में ऐसे चलाते रहना है और साइड की जो मलाई है ना, वो निकाल कर दूध में मिक्स कर लेना है। अब ये देखिए, हमारा कोकोनट भून के हो गया है। अब गैस को बंद करके हमने इसे अलग बर्तन में निकाल लेना है। तो ये निकाल दिया है, देखिए कितना बढ़िया तरीके से भून के हो गया है। तो अब चलते हैं हम दूध की ओर। तो ये दूध अभी आधा हो गया है, अब हमको इसे और पकाना है, मतलब और थोड़ा सा कम करना है, गाढ़ा कर लेना है, ठीक है। अब ये देखिए, थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है। अब यहाँ पर हमने चीनी ऐड कर देनी है, तो ये 1/2 कप, और मैं थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी, यह है 1/4 कप, मतलब टोटल हमने चीनी यहाँ पर यूज़ की है 3/4 कप, ठीक है ना। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हो तो चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। अब चीनी जब तक घुल रही है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो एक थाली में थोड़ा सा घी डालकर उसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि हम आसानी से इसमें बर्फ़ी जमा सकें। अब हमारा दूध भी रेडी है, तो इसमें डाल देंगे हम इलायची का पाउडर, 1 छोटा चम्मच डाल दिया है मैंने। अब यहाँ पर आप गैस को अपने हिसाब से मीडियम, लो या हाई बीच बीच में कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये मैंने लेमन कलर लिया है, जो फूड कलर आता है, अगर आपके पास नहीं है तो ये टोटली ऑप्शनल है, ठीक है। वैसे नारियल की बर्फ़ी सफ़ेद भी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे पसंद है कलर, इसलिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। अब इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पर डाल देंगे नारियल। ठीक है, अब नारियल डालने के बाद में ये थोड़ा सा हमें पतला लगेगा, लेकिन जब नारियल दूध को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, जब ये पकता है, तो बर्फ़ी की कंसिस्टेंसी में आ जाता है। अभी ये थोड़ी देर में गाढ़ा हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को आप पूरा देखिएगा। अभी ऐसा नहीं है कि ये गाढ़ा होने के बाद में हमने बर्फ़ी जमा लिए और हमारी बर्फ़ी बन गई। तब तक आप लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और जो भी मन में आए आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, अभी ये गाढ़ा हो गया है, अभी हम इसकी बर्फ़ी जमाएंगे। तो हमने थाली को पहले से ही ग्रीस करके रख दिया था। तो चलिए चलते हैं थाली की ओर। अब यहाँ पर बर्फ़ी को हमने डाल देना है। एक्चुअली क्या होता है, हमने किस तरह से बर्फ़ी बनाई है,
हमने दूध को ज़्यादा पकाया है, मतलब दूध को हमने गाढ़ा किया है, तो जितना गाढ़ा दूध रहेगा उतना बर्फ़ी जमने के लिए टाइम लगेगा। इसीलिए इसे अभी हम पहले थाली में फैला लेंगे। आप मोटा पतला अपने अकॉर्डिंग फैला लीजिए पहले इसे थाली में, और उसके बाद में इसे हमने फ्रिज में रखना होता है। अगर आप रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो बर्फ़ी जमने के लिए टाइम लगेगा, इसीलिए मैं इसे 2 घंटा फ्रिज में रख दूँगी। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी मैं ऊपर से डाल रही हूँ, ये मैं सिर्फ पिस्ता डाल रही हूँ यहाँ पर, आप काजू और बादाम भी डाल सकते हो। तो चलिए अभी से रखते हैं फ्रिज में और 2 घंटे बाद मैं दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमारी बर्फ़ी जम गई है, ठीक है ना। अब इसे अपने मनचाहे पीसेस में कट कर लीजिए। अब यहाँ पर आप स्क्वायर और रेक्टेंगल भी कट कर सकते हो, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से आपने बर्फ़ी जमा लेनी है और मेहमानों को खिलानी है, मतलब परिवार को खिलाओ, मेहमानों को खिलाओ, आप खाओ, आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे, इतनी टेस्टी बनती है ये बर्फ़ी। ठीक है, तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल भी नया है और रेसिपी भी नई है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है ना हमारी बर्फ़ी, और कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो के साथ में।